गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में फैसला सुनाया जाएगा। शनिवार को इस मामले का फैसला आएगा, जिसे लेकर कृष्णानंद राय के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अब 18 सालों बाद इस मामले का फैसला सुनाया जाना है। अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा है कि 18 वर्षों से इस मामले को अदालत में सुना जा रहा है और तय तारीखों पर अफजाल अंसारी अदालत पहुंचते रहे हैं। अफजाल अंसारी 2019 में बसपा के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने थे, लेकिन इस पूरे फैसले को लेकर अब उनकी सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर अफजाल अंसारी को आज 2 साल की सजा होती है तो उनकी पूरी सांसदी का करियर खतरे में पड़ सकता है। अफजाल अंसारी ना सिर्फ इस बार अपनी सांसदी खो सकते हैं, बल्कि अगले 6 वर्षों तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब से कुछ घंटों में एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला सुनाया जाना है। मामला मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से संबंधित है। दोनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसी प्रकरण में आज जजमेंट प्रोनाउंस होना है। बताते चलें कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में जो गैंग चार्ट तैयार किया गया था, उसमें रूंगटा अपहरण एवं हत्याकांड, साथ ही साथ कृष्णानंद राय हत्याकांड को शामिल किया गया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में 2019 में साक्ष्यों के अभाव में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। रूंगटा हत्या और अपहरण कांड में भी 2001 में मुख्तार अंसारी कोर्ट से बरी किया जा चुका है। 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर मोहम्मदाबाद तहसील के भावरकुल थाने में केस संख्या 1051 और 1052 के तहत अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। इन्हीं मामलों को लेकर के अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही थी। इस केस की वर्डिक्ट 15 अप्रैल को सुनाई जानी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण उस दिन यह फैसला नहीं सुनाया जा चुका। आज शनिवार के दिन एक बार फिर 29 तारीख को कोर्ट ने तारीख मुकर्रर की थी जजमेंट सुनाने का। सबकी निगाहें इस जजमेंट की ओर बनी हुई हैं। इस केस को लेकर के खास पहलू यह है कि अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है, ऐसी सूरत में उनकी सांसदी खतरे में पड़ सकती है।